कुछ ऐसी सुबह सा जिसकी खातिर मैं था जगा सा, आ तू मेरे ख्वाब सजा जा रे। दिल रोए इलाही तू आजा मेरी माही, दिल रोए इलाही तू आजा मेरी माही, मेरी माही मेरी माही तू आजा मेरी माही, दिल रोए इलाही। ओके सो ही गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार की नई वीडियो को बनाएंगे। सो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो बनाना चाहते हो, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो को हम लाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। सो अगर आप लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, वहाँ से डाउनलोड कर लो, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, वहाँ पे मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। ओके गाइस, सो बढ़ते अपनी एडिटिंग की तरफ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है सो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस, वीडियो एडिट करने के लिए आपको बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है। जैसा बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको एक फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका नाम यहाँ पे कौन सा फ़ोन है ये? सो इसका नाम ऐसे कि ओपन टाइप PS। ओके, तो ये फ़ोन आपको मटेरियल्स वाले लिंक में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सॉन्ग मिलता है। तो आप लोग जाके चेक कर लेना, सॉन्ग एंड फोन वहीं पे मिलेगा। सो आप फ़ोन इंपोर्ट कर लेना, आई होप कि आपको फ़ोन इंपोर्ट करना आता ही होगा। सो अगर उसके बाद आपको इधर आ जाना है, ओके 12.22 सेकेंड पे, यहाँ पे आपको आने के बाद प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है। जैसा आप अपनी फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे, फोल्डर सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी फोटो को ऐड करना है। फोटो ऐड करने के बाद ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया करना है, इस वाले एरो पे क्लिक करना है 2 बार, बिकॉज आगे डबल विट मार्क है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि जब आगे डबल विट मार्क आता है तो मैं आपको एरो पे 2 बार क्लिक करने के लिए कहता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन से फिर ट्रिम कर लेना है, फिर प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, नेक्स्ट फोटो को ऐड करना है, ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, फिर से इस वाले एरो पे क्लिक करना है 2 बार, क्योंकि आगे डबल विट मार्क है, और यहाँ से फोटो को ट्रिम करना है। सो फिर से प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और अपना नेक्स्ट फोटो को ऐड करना है, ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, इस वाले एरो पे क्लिक करके यहाँ से फोटो को ट्रिम करना है। सो फिर से प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करके फोटो ऐड करना है, ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, इस वाले एरो पे क्लिक करके यहाँ से फोटो ट्रिम करना है। सो जैसे आगे सिंगल बिट मार्क है तो वहाँ पे एरो पे 1 बार क्लिक करना है, आगे डबल बिट मार्क है तो एरो पे 2 बार क्लिक करना है और यहाँ से ट्रिम करना है। सो आई होप कि आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है। सो यहाँ पे जल्दी मैं लास्ट से फोटो को एड कर लेता हूँ। ओके ओके, सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे 23 सेकंड तक सही फोटो को ऐड कर लिया है। अब जैसे आप फोटो को ऐड कर लेते हैं, अब यहाँ से आपको बैक आना है, सेगफिट प्रीसेट को ओपन करना है। ओके, और यहाँ पे जो पहला वाला फोटो है इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करके 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है और यहाँ से बैक आना है, बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है। बिटमार प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद सेलेक्ट करके आगे जाना है और आगे जाने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो आपका पहला फोटो है ना, इस पर आपको इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। ओके, और फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करके 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है, इफेक्ट इस प्रकार से पेस्ट हो जाएगा। ओके, फिर आपको 2 फोटो को छोड़ना है और 1 फोटो में पेस्ट करना है। तो मेरा सिंपल से कहना यही है, जो भी फोटो सिंगल बिटमार के बाद आ रहा है उसमें आपको इफेक्ट को पेस्ट करना है और जो डबल बिटमार के बाद आ रहा है उसको छोड़ देना है। तो गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो सिंगल बिटमार है उसके नीचे जो फोटो स्टार्ट हो रहा है वो सिंगल बिटमार के बाद आ रहा है, और ये डबल बिट मार्क है, इसके नीचे जो इमेज स्टार्ट हो रहा है तो ये डबल बिट मार्क के बाद आ रहा है। तो ओके, तो इसका मीनिंग यही है, तो जो भी फोटो सिंगल बिट मार्क के बाद आ रहा है सिंपली हम उसी में इस इफेक्ट को पेस्ट करेंगे, और जो भी फोटो डबल बिट मार्क के बाद आ रहा है उसको अभी फिलहाल छोड़ देना है। ओके, तो कहीं कहीं पे लगातार 2 फोटो है तो आपको लगातार 2 फोटो में पेस्ट करना है, कहीं कहीं पे 1 फोटो है तो 1 फोटो में पेस्ट करना है। सो इस प्रकार से आपको कर देना है, फिर यहाँ से आपको बैक आना है और इसके फिर प्रीसेट को ओपन करना है और जो सेकंड नंबर का इफेक्ट है ना इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ से बैक आना है, बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है और स्लाइड करके आगे जाना है। ओके, और आगे जाने के बाद यहाँ पे आपको तो करना क्या है, अब जो फोटो डबल बिटमार के बाद आ रहा है सिंपली उसी फोटो में इस वाले इफेक्ट को पेस्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करके 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो ये फोटो डबल बिटमार के बाद आ रहा है इसमें हम इफेक्ट को पेस्ट करेंगे और ये फोटो डबल बिटमार के बाद आ रहा है इसमें पेस्ट करेंगे। तो ये भी ऐसा ही है, कहीं कहीं लगातार 2 फोटो है, कहीं कहीं पे 1 फोटो। तो इस प्रकार से यहाँ पे ना सिंपली इफेक्ट को पेस्ट करते जाना है। ओके, एंड इस प्रकार से पेस्ट हो चुका है। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इस प्रकार से आपको इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। अब जैसे इतना कर लेंगे आपकी वीडियो कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगी। सो यहाँ पे कोई भी HDR नहीं है, अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप कोई किसी और प्रीसेट का यूज कर सकते हो, बिकॉज फिलहाल तो मैं इसमें कोई भी HDR यूज नहीं कर रहा हूँ। ओके,
सो गाइस आपको ऊपर शेयर का आइकन पे क्लिक करना है, अपनी वीडियो को सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।